राजकोट में आगामी 7 जुलाई ना भगवान जगन्नाथ ने भव्य रथयात्रा नु आयोजन करवामां आव्युं छे। हाल आ रथयात्रा ने तड़ामार तैयारी करवामां आवी रही छे, जे अंतर्गत आज बपोर बाद कड़श यात्रा पण योजावानी छे, जेमां 108 कड़शधारी बाड़ा जोड़ाशे। जुदा जुदा 108 प्रकारना जळ वडे भगवान ने केसर चंदन थी स्नान करावामां आवशे। 22 किलोमीटर नी रथयात्रा में खास प्लॉट्स नी साथे सनातनी बुलडोजर पण राखवामां आव्युं छे। आ सनातनी बुलडोजर लोकोमां आकर्षण नु केन्द्र बनशे। जगन्नाथ रथयात्रा 7 तारीख 7वां महीना 2024 यात्रा है। आज हमारी कलश यात्रा है, जो कि पूर्णमासी स्नान ठाकुर जी को आज के दिन स्नान आदि होगा। स्नान आदि के बाद उनको फिर जो कई अनेक दूध दही शहद 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाएगा। गंगा जल आदि कई नदियों का जो जल मंगाया गया उससे भी भगवान का स्नान होगा। फिर इसके बाद भगवान को फिर जैसे जुड़ाव आ जाता है, बुखार आ जाता है, फिर इसके बाद ठाकुर जी 15 दिन के लिए बिल्कुल ही दर्शन नहीं देते, अंदर ही सारोबार प्रक्रिया होती है उनकी भावी भक्तों द्वारा। हम सभी लोग भगवान की पट्टी आदि करते हैं, जो प्रक्रियाएँ औपचारिक रूप में होती हैं बीमारी परिस्थिति में, ऐसी औपचारिक प्रक्रियाएँ भगवान की होती है। फिर इसके बाद यात्रा की बहुत ही धूमधाम से तैयारी चल रही है, काफ़ी लोग नृत्यकर्ता भी रहेंगे, अखाड़े भी रहेंगे, खिलाड़ी भी रहेंगे जो यात्रा में, उज्जैन से कुछ खिलाड़ी आ रहे हैं जो अघोर पंथ का भगवान शिव का रूप दिखाएंगे पूरे शहर को। और फिर दूसरा कि अपने जो रासलीला मंडल वृंदावन का, वो जो भगवान कृष्ण ने लीलाएं की हैं उन लीलाओं का वर्णन पूरे शहर को दिखाया जाएगा। इसमें विशेष इस बार हनुमान जी बाहुबली भी रहेंगे और अन्य भावी भक्त भी तृणरथ रहेंगे, अनेक फ्लॉट रहेंगे जो कि यात्रा में दर्शन सभी को मात्र में प्राप्त होंगे। और इस यात्रा का विशेष महत्व कि हमारे संस्कृत परंपरा का एक प्रतीक है जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कि धर्म का संदेश और सनातन धर्म के प्रति आस्था का संदेश देती है। और इस यात्रा के दर्शन मात्र से जीवन धन और पवित्र हो जाता है। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि जो इस यात्रा को दर्शन करता है, रथ मात्र की ध्वजा का ही दर्शन कर लेता है, उसको 100 यज्ञ के एक यात्रा पूर्ण बराबर मानी जाती है। ऐसी भगवान जगन्नाथ की यात्रा इस शहर में पूरे सभी राजकोट वासियों को बहुत ही आनंद लाएगी। और भगवान स्वयं जो पूरे साल में भगवान के दर्शन करने नहीं आ पाते हैं, इस साल भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त हो पाता है, तो भगवान स्वयं सभी को दर्शन देने जाएंगे और सभी के दर्शन करने जाएंगे। जय जगन्नाथ।